So today we will learn about join. Simply, join is a query or its command that fetches information from two or more tables. Simple. आप अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay बच्चा, let me check. Okay. So starting join. A join is a query that fetches data from two or more tables. Okay? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चा, कि एक ही टेबल से अपने कमांड्स के थ्रू उसमें मैनिपुलेशन कर रहे थे या उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे थे. लेकिन जब बात आ जाती है दो या दो से अधिक टेबल की, तो हमको जॉइन चाहिए होता है. अब जॉइन समझने से पहले हमको टर्म समझना पड़ेगा एलजेब्रा, या मीन्स ऑपरेशन बिटवीन टेबल्स. तो इसमें हमारे पास सेलेक्ट और प्रोजेक्ट तो हमने कर लिया है, डेटाबेसिस में सेलेक्ट कर लिया है. इसके बाद अगर हम बात करें, दो टेबल है, सपोज टेबल T1 एंड T2 इज देयर, देन देयर आर सम ऑपरेशंस. फर्स्ट ऑफ देम इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. रिलेशनल अलजेब्रा का ये टर्म है, इसको एक्स या इनटू साइन जो भी आप समझना चाहें इससे करते हैं. तो इसमें सपोज तीन रो है ए बी सी, और इसमें तीन रो है एक्स वाई जेड, ठीक है. और इन T1 और T2 का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट टेबल आएगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह की होगी T1 into T2. समझिए इस बात को. A के रिगार्डिंग X, Y, Z तीनों रो होंगी, देन B के रिगार्डिंग भी X, Y, Z तीनों रो होंगी, एंड देन C के रिगार्डिंग भी X, Y, Z तीनों रो होंगी. दिस इज सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट. मीन्स A इसके साथ का रिलेशन एस्टेब्लिश किया, रो क्रिएट हुई इसके साथ सेम विद बी, एंड देन सेम विद सी, या यू कैन से वाइस वर्सा, एक्स का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, वाई का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, या जेड का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ एस्टेब्लिश है. सो इफ T1 हैज सपोज n रो एंड T2 सपोज हैव m रो, देन T1 कार्टेशियन प्रोडक्ट T2 विल हैव n into m rows. सिंपल एलजेब्रा, दिस इज कॉल्ड जॉइन. समझना है आपको इस तरीके से, मतलब जॉइन के थ्रू हम इनको जो है रिप्रेजेंट करेंगे. दो और ऑपरेशन है बच्चा, सपोज T1 और T2 आपके पास है. T1 में आपके पास है सपोज a b c d, और T2 में है आपके पास a b d e f. ओके, तो एक है हमारे पास यूनियन, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यूनियन, जिसको सेमी सर्किल, अपर बाउंड, या यू स्मॉल से आप डिनोट कर सकते हैं. इसमें क्या होगा कि दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज हैं उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे. किस तरीके से? कॉमन वैल्यूज को या डुप्लीकेट वैल्यूज को, रोज को एलिमिनेट करके. तो ए इसमें भी है, इसमें भी है. मीन्स जो T1 यूनियन T2 की आएगा, उसमें ए ए की बार आएगा. यस बच्चा. सर मेरे सर मैंने सिलेबस चेक किया था, उसमें जब टेक किया था तो सर जॉइंट ऑपरेशन तो नहीं है सिलेबस में. देखो बच्चा, जॉइंट का ऑपरेशन नहीं है, वो मुझे पता है आपके सिलेबस में मेनली एसक्यूएल फंक्शंस है. लेकिन जॉइन और ये एसक्यूएल कनेक्टिविटी सिखाने के पीछे का पर्पज यही है कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स भी हमको डेवलप कराने हैं. तो जब आप लोग प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, तो मेन जो चीज होगी वो समझिए कि आप लोग पाइथन को इंटरकनेक्ट करेंगे विद MySQL. ये आप है ना, इंटरकनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इंटरफेस अपना जो प्रोजेक्ट का है, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेशन कर रहे हैं, वो आप इंटरफेस पाइथन में बना रहे हैं. और इसका जो डेटाबेस है वो हम MySQL में बनाएंगे. प्लस अब जब हम इतना सीख लिए हैं टेबल्स के बारे में, तो सिंपल ये जॉइन क्यों नहीं हम सीख लें, क्योंकि इट हेल्प्स अस टू फेच इंफॉर्मेशन. अभी हम बताते हैं, देखिए कैसे, ठीक है. सो दिस इज जस्ट अबाउट वन क्लास. सो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो आप अपने लेवल पे इसे स्किप कर सकते हैं,
बट फॉर योर बेटरमेंट और फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको कवर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखिए वैसे तो सीएस और आईपी में थोड़ा सा डिफरेंस बनाया गया है, बट जब आप टास्क की बात करते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं, तो वहां सीएस आईपी नहीं होता. ठीक है, वो आप किसी भी सिस्टम को बना रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, तो वो ये नहीं जानता कि ये सीएस का बच्चा है या आईपी का बच्चा है. वहां वो फैक्ट्स जानते हैं, समझता है कंप्यूटर. आप उसको कमांड्स देंगे तो वो एक कमांड आपको देना आना चाहिए. बेसिक थिंग इज दिस. ओके, तो हम वापस इस पर लौटते हैं कि ए अगर दोनों टेबल्स में ए रो अवेलेबल है तो ए आएगा, बी अवेलेबल है दोनों जगह तो बी आएगा एक बार, सी इसी में अवेलेबल है इसमें नहीं है लेकिन सी आएगा, डी दोनों में अवेलेबल है तो डी एक ही बार आएगा, ई और एफ, तो ये यूनियन हो गया. साथ ही एक और ऑपरेशन है, दैट इज सब्ट्रैक्शन माइनस. तो टी वन माइनस अगर टी टू करें तो टी वन के ऐसे एलिमेंट्स जो टी टू में अवेलेबल नहीं है केवल वो आएंगे, तो दैट इज सी. ओके, और अगर हम रिवर्स करें टी टू माइनस टी वन, ठीक है, तो ये आएंगे ई और एफ. ठीक है, ये तो रहा थ्योरेटिकल पार्ट. अब मैं बात करता हूं, सपोज एक दो टेबल है, एक टेबल है सपोज बुक. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एग्जांपल पार्ट से आप समझ पाएंगे. एक बुक है, एक टॉपिक है आर्टिक, टेबल है बुक और एक टॉपिक है टेबल है आर्टिकल्स. इसमें भी ऑथर नाम का एक कॉलम है और इसमें भी ऑथर नाम का एक कॉलम है. दो अलग अलग टेबल्स है हमारे पास. ओके, सपोज इसमें कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, सपोज केसीजी उनका नाम है, सपोज कुछ भी, या एनएलजे अकाउंट्स के प्रोफेसर हो गए, या बिजनेस स्टडीज के प्रोफेसर हो गए, जिन्होंने ये बुक्स लिखी है, डेटा है. और एक और जो है आर्टिकल है. अब जो केसीजी और एमएस ने किया है वो उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, लेकिन एक और टीचर है सपोज पी क्यू आर या ए वी सी, इन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं. देखिए डेटा किस तरीके से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, फैच आउट कर रहे हैं. तो जब हम डेटा दोनों के कॉम्बिनेशन से अब हम ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि मैच आउट कर रहे हैं. तो अब क्वेरी किस किस तरीके की हो सकती है कि फाइंड आउट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट किस तरीके की हो सकती है. ऐसे कितने ऑथर हैं जिन्होंने दोनों बुक्स, जो मतलब जिन्होंने बुक भी लिखी है और आर्टिकल भी लिखा है. दिस इज अ रियल टाइम क्वेरी, रियल वर्ल्ड में हमको इसकी जरूरत पड़ती है. तो हम फाइंड आउट करेंगे कि केसीजी और एमएस ऐसे दो ऑथर हैं जिन्होंने बुक्स भी पब्लिश किए हैं और आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं. क्या कर देंगे अब, सिंपली इनको यूज कर लेंगे. नाउ ऐसे कौन से हैं जिन्होंने सिर्फ बुक्स पब्लिश किए हैं बट आर्टिकल अभी उनका पब्लिश नहीं हुआ, तो ये आप वहां पर यूज कर सकते हैं. या ऐसे कौन है जिन्होंने सिर्फ आर्टिकल लिखा है बट दे आर येट टू पब्लिश बुक, तो आप इस तरीके से वहां पर उनका डेटा फेच आउट करके अपने डेटाबेसिस में निकाल सकते हैं. तो सिंपली जॉइन का पर्पज यही है, या दो टेबल्स के बीच में ऑपरेशंस का पर्पज यही है कि आप जब आपको रिक्वायरमेंट इस तरह की हो जाती है कि इंफॉर्मेशन एक टेबल के बजाय आपको मोर देन वन टेबल से फेच आउट करनी होती है, तो आप इस तरीके से फेच आउट कर सकते हैं. नाउ उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, सिंपल जॉइन. सिंपल जॉइन है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉइन बट वी आर टीचिंग यू सिंपल जॉइन. सिंपल आपको कॉलम लिस्ट लिखनी है फ्रॉम विच विच टेबल, ओके, और सिंपली जॉइन कंडीशन बनाना. ठीक है, जॉइन कंडीशन दिस जॉइन कंडीशन बनानी और कोई और कंडीशन जिस पे आपको वो पैरामीटर सेट करना है. सिंपल मींस अगर हम जॉइन की बात कर रहे हैं एसक्यूएल में, तो दो टेबल हैं टी वन टी टू, इसमें कॉलम है ए बी सी, इसमें कॉलम है ए बी सी डी, सॉरी सपोज ये हटा देता हूं मैं, पी क्यू आर ए, सॉरी पी क्यू आर डी, ये सी कर लेते हैं, ये हमारे कॉलम है. तो अगर हमको इन दोनों टेबल्स के बीच में ज्वाइन परफॉर्म करना है
तो इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये बनेगी आपकी ज्वाइन कंडीशन, सिंपल ज्वाइन कंडीशन कि टी वन का सी और टी टू का सी जहां पर बराबर होंगे, केवल वही इंफॉर्मेशन फैच आउट होगी। और दूसरी चीज कि इसमें जो एक टेबल का प्राइमरी की ये है फॉरेन की कांस्टेंट जैसे कल बताया था, उसी तरीके से ये इसमें नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, सिंपल कंडीशन है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि एक कॉलम कोई ना कोई दोनों टेबल्स में मैच करना चाहिए। अब इसका रियल लाइफ हम एग्जांपल बताते हैं, देखिए क्या हुआ कैसे। आपका एडमिशन रजिस्टर डेटा है, एक टेबल है जिसमें क्या हुआ, एडमिशन रजिस्टर टेबल है इसमें 2544 पे स्टूडेंट मान लीजिए नीरज काम करता है, ठीक है, या नीरज का डेटा है। 2568 पर मान लीजिए सुरेश है और 2964 पर मान लीजिए आर, दिस थ्री स्टूडेंट्स आर देयर, ओके। नाउ इसमें इनकी क्लास, इनका बाकी का डिटेल्स हो गया, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल एड्रेस, जो कि एडमिशन रजिस्टर्ड है। नाउ देयर इज ए क्लास रजिस्टर, ठीक है, सपोज दे आर 12th C, ठीक है, क्लास रजिस्टर की एक अलग टेबल है हमारे पास जिसमें केवल 2544 और 2964 दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एडमिशन नंबर इनका रेफर किया हुआ है सपोज, ठीक है, एडमिशन नंबर इनका रेफर किया हुआ और इनके सब्जेक्ट वन के मार्क्स, सब्जेक्ट टू के मार्क्स एंटर है या परसेंटेज अटेंडेंस में एंटर्ड, ठीक है, सपोज इसके 60 मार्क्स, इसके यहाँ पर 70 मार्क्स इसमें और इसके 55 और इसके मान लीजिए यहाँ पर 80, ये मार्क्स है। तो ये जो दो टेबल है अब इनके बेसिस पे आपको जॉइन परफॉर्म करना है, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि ये मान लीजिए डेटाबेस में सिंपली जैसे कि आपके सीबीएसई के रोल नंबर होते हैं वहां पर स्टूडेंट का नेम कहीं भी दिखाई नहीं देता रियल टाइम में, अभी तो कोरोना में तो आपके उसमें था, नॉर्मल टाइम में सिर्फ रोल नंबर से फैच आउट होता है। सपोज ये रोल नंबर है, उसके सब्जेक्ट वन में 60 मार्क्स आए, सब्जेक्ट टू में 70 मार्क्स आए और इसमें 55 आए, 85 आए, लेकिन जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो बच्चे का नाम हमको चाहिए, तो क्या होगा, दोनों टेबल्स के बीच में ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। तो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे कि आपको क्या चाहिए, एक आप क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, देखिए कि आपने किया सेलेक्ट, आपको क्या चाहिए रोल नंबर, सपोज ये रोल नंबर है, ठीक है, ये सपोज टी वन है और ये टी टू है, आप कुछ भी टेबल का नाम दे सकते हैं, बड़ा हो रहा है इसीलिए मैंने किया रोल नंबर, आपको चाहिए बच्चे का नेम, आपको चाहिए सब्जेक्ट वन के मार्क्स, आपको चाहिए सब्जेक्ट टू के मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम सिंपली टेबल टी वन और टेबल टी टू, ठीक है, वेयर प्राइमरी कंडीशन क्या हो गई, प्राइमरी कंडीशन हो गई कि T1 dot roll number जो है वो आपका मैच होना चाहिए T2 के रोल नंबर वाले कॉलम, ये आपकी प्राइमरी कंडीशन होगी। तो दिस इज कॉल्ड जॉइन कंडीशन, ये आपका जॉइन होगी, ठीक है, समझ रहे हो क्या एप्लीकेशन एरिया है इसका, T1 dot roll number equals to T2 dot roll number जॉइन परफॉर्म। अब यहाँ पर ये रोल नंबर आप एक ही पर्पज सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली इस तरीके से कॉमा लगा के ये परफॉर्म कर सकते हैं जॉइन। नाउ एक और केस आता है जॉइन का, वो केस क्या है, वो ये कहलाएगा कि सपोज और कोई कॉलम है जहां पर दोनों का कॉलम नेम सेम है, तो ऐसे केसेस में हमारा जो एसक्यूएल है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका लें। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ये तो अभी यहाँ पर रन कर जाएगा क्योंकि सभी कॉलम नेम्स अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तो आर नंबर तो मैच ही कर रहा है, जॉइन कंडीशन है इसलिए ये एक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कॉलम्स नेम सपोज सेम होते हैं अदर देन जॉइन कंडीशन वाले कॉलम के, और कॉलम भी होते हैं और उसमें से कोई कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि किस टेबल के कॉलम की वैल्यू आपको उठानी है,
तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इनकी जो है एक अलियास सेट कर दीजिए एक्स और वाई। तो अब जो P1 है वो एक्स माना जाएगा, P2 है वो वाई माना जाएगा। इसी क्वेरी को हम किस बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि सेलेक्ट एक्स का रोल नंबर आप ले लें, किसी का भी एक का रोल नंबर ले लें, नेम भी एक्स वाली टेबल में ही है, सब्जेक्ट जो है आपके वाई डॉट सब्जेक्ट 1 में है कॉमा वाई डॉट सब्जेक्ट 2 में है। फ्रॉम आप यहाँ पर टेबल स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वन आपकी एक्स है कॉमा T2 आपका वाई है, स्पेस देके सिंपली जैसे इंट एक्स इंट वाई करते हैं तो ये डेटा टाइप हो गया T1 T2 टेबल, ये हो गया वेयर। अब सिंपली एक्स का क्योंकि एक्स जो है T1 है तो आप एक्स का आर नंबर इक्वल्स टू वाई का आर नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और केवल या उन्हीं बच्चों को चाहिए तो एक और कंडीशन लगा सकते हैं वेयर के साथ एंड कि जो मार्क्स है सपोज वाई डॉट सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स हैं वो 50 से ऊपर। इस तरीके से आप कमांड लगा सकते हैं, जॉइन परफॉर्म करा सकते हैं। ये समझ में आया? इजी है, ठीक है। तो सिंपली इतना ही जॉइन हमको परफॉर्म करना है। तो जब हम यूज कर सकते हैं दो टेबल की या हमें अपने डेटाबेस में दो से ज्यादा टेबल्स बनानी पड़ जाए, सपोज आप एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम ही बनाए या रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के जॉइंट क्वेरीज आपको लगानी पड़ सकती हैं। सिंपली आपको ये ही करना है। समझ गए बच्चा? दैट्स जॉइन। चलिए ये जॉइन हो गया, सिंपल क्वेरी लगा दिया। एग्जांपल्स कुछ देख लें, जैसे ई नेम LOC चाहिए, दो टेबल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट नंबर से आपने मैच किया और ई नेम अनूप होना चाहिए, सिंपल क्वेरी है। अब इसी को आप टेबल नेम के उससे आपने स्पेसिफाई किया एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और ये अनूप, और तीसरा उनकी वैल्यूज आपने ये रख दी, तो ई डॉट ई नेम या डी डॉट LOC, और इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हैं ये ई डॉट ई नेम यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सिंपली जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ इंडेक्सिंग आपके इसमें सिलेबस में नहीं है तो, और ये आपके पर्पज का भी नहीं है, तो डेट्स वाई इंडेक्सिंग को हम स्किप कर सकते हैं, इसको जंप आउट कर देते हैं। नाउ द टर्म ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्यों जरूरी है? ऑर्डर बाय कि अब आपको अपना जो डेटाबेस है उसमें किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे आपको अपना ऑर्डर जो है डेटाबेस का रखना है। तो सिंपली आप क्वेरी करेंगे किसी भी एक कॉलम में या दो कॉलम में जितना भी है, आपको क्या क्या कॉलम चाहिए, आपने वो कॉलम्स लिख के सपोज कॉलम 1 और कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको चाहिए, फ्रॉम टेबल T1 आपको चाहिए, वेयर सपोज यहाँ पर C1 की वैल्यू मान लीजिए 20 से ऊपर है, ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर में आ जाओ, C1 की ही ऑर्डर में आपको आ जाए, तो कॉलम 1 के ऑर्डर में ही वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, सिंपली ऑर्डर बाय। ओके, ऑर्डर बाय इसको ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आप कोई भी पैरामीटर आगे नहीं देते या फिर इसी पैरामीटर को आप चेंज करके लिख सकते हैं ऑर्डर बाय P1 ASC असेंडिंग ऑर्डर, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप सिंपली कर सकते हैं ऑर्डर बाय P1 BES डिसेंडिंग, ये आपका हो गया डिसेंडिंग। ओके, सो इस तरीके से वर्क करते हैं। चलिए कोई भी टेबल हम देख लेते हैं और उसमें अगर डेटा होगा तो उसके बेसिस पे हम ऑर्डर बाय को अभी एग्जीक्यूट आपके सामने करते हैं, और अगर ऑर्डर बाय वर्क करता है तो अच्छी बात है।
ठीक है। तो ये सपोज लाइब्रेरी में टेबल्स हैं, चेयर को मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ डेटा है क्या, इसमें कुछ डेटा नहीं है, बुक्स में कुछ डेटा शायद हो सकता है, देर इज सम डेटा इन बुक्स, ठीक है, डेटाबेस है हमारा लाइब्रेरी। चलिए पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, यूज डेटाबेस अपना सेलेक्ट कर लिया, लाइब्रेरी, नाउ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम बुक, हमारे पास इतना डेटा हमारे पास है। सपोज अभी हमको प्राइस के ऑर्डर में हमको करना है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम बुक सिंपली ऑर्डर बाय, तो ये प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट आपके जो भी है वो सारे आ जाएंगे। देखिए आपका इसका पैटर्न बदल गया, ठीक है, इसका पैटर्न बदल गया जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप ऑथर के बेसिस पे करना चाहें, किसी के भी बेसिस पे आप करना चाहें, ऑर्डर बाय सपोज ऑथर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको परफॉर्म करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, तो देखिए ए सबसे लास्ट में और एस सबसे ऊपर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो रिवर्स ऑर्डर में ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है बुक नेम के बेसिस पे और एएससी कमांड लगा के अगर आपको दिखाएं, तो ये देखिए, तो ए से आने वाली बुक सबसे ऊपर और ट्वेल्थ में, अब देखिए यहाँ ट्वेल्थ तक बराबर था, स्पेस बराबर था, इसीलिए प्रिया सी और आई में वो हुआ, ठीक है, एंड तक चलता जाएगा, जहां से जैसे बी और आई सेम था तो डी पहले आ गया एस बाद में आ गया, इस तरीके से वो जो है उनका ऑर्डर तय होता है। तो इस तरीके से ये कमांड्स आप परफॉर्म सिंपली कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सपोज बुक, आप इसमें कोई कंडीशन लगा दीजिए, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 1870, ओके, और सिंपली ऑर्डर बाय बुक नंबर, तो वो इस ऑर्डर में आपकी वो बुक्स आ गए बुक नंबर के ऑर्डर में, और आप इस तरीके से उन कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली, ओके। तो ये ऑर्डर है, आप मल्टीपल ऑर्डर्स में भी जो है कमांड लगा सकती हैं, ऑर्डर बाय मल्टीपल ऑर्डर में, अगर आप पहले किस का कॉलम पे कर रहे हैं वो परफॉर्म होगा, वो जब सॉर्ट हो जाएगा उसके बाद दूसरे कॉलम पे सॉर्टिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसे केसेस को हम इस तरीके से देखेंगे, अगर हम ये देखें सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्या नाम था बुक, ये आपकी टेबल है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पहले मैं बुक नंबर पर अप्लाई कर रहा हूँ ऑर्डर बाय, एंड देन मैं प्राइस पे करूंगा, तो वैसे तो सेम है यहाँ पे डेटा बुक इसमें करता हूँ ऑथर पर और प्राइस पर, ठीक है। तो ऑथर से जब मैं सेट आउट करूंगा तो दोनों ऑथर यहाँ पर सेम है, तो पहले तो ये सॉर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद इनमें जो अंदर की सॉर्टिंग है कि इन दोनों में से पहले कौन आए वो दूसरा कॉलम हमारा डिसाइड करेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम हो गया हमारा बुक, ऑर्डर बाय ऑथर, ठीक है, ये एएससी में, कॉमा प्राइस डीएस, ठीक है। देखिए ऑर्डर बाय ऑथर बाय डिफॉल्ट ये ए टू एस चला गया, लेकिन जब ये कॉमन मिला, ये जो कॉमन मिला प्राइमरी थिंग के बाद में जो कॉमन डेटा हुआ उसमें किस तरीके से डिसाइड करें कौन पहले आए, तो प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, क्लियर है। इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी जो है अपनी कमांड्स को डेटाबेस को लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन भी हम जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को इस पे टैक्स निकालना है, सपोज मैं एक कमांड दे सकता हूँ सेलेक्ट बुक नंबर, देखिए प्राइस बुक नंबर, बुक नेम भी ले लेते हैं साथ में, प्राइस
एंड मैंने कह दिया टैक्स, एक प्राइस का सपोज 20% टैक्स है, तो 0.20 कर दो एज टैक्स, ठीक है। एक कॉलम मेरे को ये व्यू में जनरेट होके आएगा, बुक नेम, बुक नंबर, नेम, प्राइस और टैक्स, ठीक है। अब मैंने ये नया कॉलम ऐड किया जो कि ओरिजिनल टेबल में नहीं है लेकिन मेरे एक्सप्रेशन में आ रहा है, मेरे रिजल्टेंट में आएगा, ठीक है। ये किया, नाउ इसमें मैंने सिंपल ऑर्डर बाई किया कि प्राइस, ठीक है। अब दो का किसी का प्राइस सेम नहीं है तो आप, हम इसे ऑर्डर बाई टैक्स में डीईएससी करते हैं, तो बेसिक है कि प्राइस के ही डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा क्योंकि कैलकुलेशन इस तरीके से हो रहा है, लेकिन आप किसी और बेसिस पे भी उसको कर सकते हैं। तो देखिए बुक नंबर नहीं है, अच्छा टेबल जो है, टेबल नेम ही नहीं सेलेक्ट किया, फ्रॉम बुक, ठीक है। तो टैक्स आपका कैलकुलेट होके आ गया और उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये हो गया, ऑब्वियसली प्राइस के भी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि उसी से कैलकुलेट हो रहा है 20%, तो उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यानी कि एक्सप्रेशन के बेसिस पर भी आप इसका ऑर्डर वाइज परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। इसके बाद है कोई भी कस्टम सॉर्ट ऑर्डर हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, किस फील्ड पे, तो सिंपली जो भी डेटा है तो ऑर्डर बाई फील्ड हम कमांड लगाएंगे और वो जो फील्ड्स नेम है उसके बेसिस पे हम जो है वैल्यूज को सेट आउट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी टेबल है ये सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक, ये आपके सामने टेबल है, ठीक है। अब इसमें जो फील्ड है उसमें आप पर्टिकुलर किसको पहले चाहते हैं, कस्टम ऑर्डर पहले चाहते हैं, तो जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक, ठीक है, ये किया ऑर्डर बाय फील्ड मैंने लगा दिया FILD। अब उसमें वो कॉलम नेम मैं दूंगा, कॉलम नेम है बुक नेम, ठीक है, और इसमें मैंने फिर आगे वैल्यूज दूंगा, वैल्यूज देखिए इन्वर्टेड कॉमा, तो पहले मैं चाहता हूँ गोल्डन आए, ठीक है, गोल्डन आए, उसके बाद विद्या आए, इसके बाद विद्या आए और फिर ट्वेल्थ सीएस आए या जो भी वैल्यू है वो आए, सपोज अरिहंत आए, ये कोई ऑर्डर नहीं है, देखिए जी आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, अरिहंत फिजिक्स, इस ऑर्डर में आपको वैल्यू, ठीक है। तो गोल्डन, विद्या, आर्यन, ये तीन तो ऊपर हो ही गए क्योंकि ये तो फिक्स थे, इसके बाद जब ये तीनों वैल्यू आई तो गोल्डन, विद्या और आर्यन इस तरीके से वर्क, ठीक है। तो आप कस्टम ऑर्डर भी सेट आउट कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में आपको वैल्यूज चाहिए, तो ये ऑर्डर बाई हो गया, ओके। नाउ बच्चों इसके बाद है टर्म आपके पास एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं ये होते हैं कि आपके मल्टीपल रोज पे एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो जा रही है फंक्शंस की, एसक्यूएल फंक्शंस की, जो कि आपके सिलेबस का एक मेन पार्ट है, एसक्यूएल फंक्शंस, ठीक है। तो ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो आपके मल्टीपल रोज पर आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ रोज रेदर देन सिंगल रोज, ठीक है। सबसे पहले एवरेज, ठीक है, तो जो एवरेज फंक्शन है ये क्या करेंगे, आप सिंपली एवरेज कॉलम नेम देंगे, उसको कोई भी टास्क दे सकते, कॉलम नेम दे सकते हैं, टेबल और कोई कंडीशन अगर आपको लगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक, ये हमारी टेबल है, ओके, इस टेबल में मुझे प्राइस का एवरेज चाहिए, ठीक है, तो सेलेक्ट एबीजी ऑफ प्राइस एज, एज दे दिया प्राइस एवरेज, ठीक है, और फ्रॉम
और बाकी और कोई कंडीशन नहीं लगा सकता, अगर कंडीशन लगानी थी तो लगा भी सकते। फ्रॉम बुक एक मैं प्राइस एवरेज को मुझे ऐसे लेना फ्रॉम बुक, ठीक है, जो भी प्राइस एवरेज है वो आपका यहाँ कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। आप अगर एज नहीं देंगे तो सिंपली जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, फंक्शन लिखा है, वैसा का वैसा ही आपके सामने आ जाएगा एवरेज प्राइस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ही फंक्शन के नेम के समेत आ गया। इसका तीसरा फंडा ये भी है कि आप इसे यहीं पर प्राइस एवरेज करके लिख सकते हैं इस तरीके से भी, एज ना भी लगा के साथ चल जाएगा, ठीक है। तो भी ये चल गया, देखिए तीनों केसेस, एज लगा के, एक्सप्रेशन एज, दिस फंक्शन के साथ, आप जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं उनके साथ आप एज नहीं भी लगाएंगे तो भी ये वर्क करता है, और अगर नहीं करेंगे, कॉलम नेम नहीं देना चाहते, स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, तो जो भी एक्सप्रेशन है वो आपके सामने जनरेट होके आएगा। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज अप्लाई एवरेज ऑन दिस रिजल्टेंट, इसका आउटपुट क्या होगा, तो बच्चे केवल 209 कैलकुलेट करके और वो लिख के आते हैं। आपको इस तरह का पूरा एक टेबल बनाना है, ठीक है। अगर आप कस्टमाइज नेम नहीं दिया है उन्होंने, तो आपको इस तरीके का एक पूरा आउटपुट, इस तरह के टेबल का हेडर जरूर होना चाहिए, ठीक है, टेबल का हेडर जरूर होना चाहिए, इस तरह का आउटपुट आप पूरा लिख के, क्योंकि तो इस बार सब्जेक्टिव टर्म है, ये आपका होना चाहिए, टेबल का हेडर जरूरी है, नीचे वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू लिख के आते हैं, दैट इज नॉट गुड। आपको आउटपुट लिख के आना है कि उसका कमांड क्या होगा, टेबल हेडर क्या बनेगा, ओके। चलिए एवरेज के बाद काउंट, जो काउंट फंक्शन है ये नंबर ऑफ रोज काउंट कर सकता है आपके टेबल में, और इसके बहुत बहुत सारे एप्लीकेशन एरिया है जहां पर आप काउंट यूज कर सकते। सपोज मैंने यूज किया सेलेक्ट स्ट्री फ्रॉम बुक, और बड़ा कर लेना है, सेलेक्ट स्ट्री फ्रॉम बुक, हमारी ओरिजिनल टेबल आपके सामने हो जाएगी। अब इसमें मैंने सेलेक्ट काउंट ऑफ बुक नेम मैंने किया, ठीक है, फ्रॉम बुक सेलेक्ट हमारे यूज हो गई फंक्शंस के साथ। देखिए टोटल 6, टोटल इसने कितने कैलकुलेट किए, 6, क्योंकि देयर आर 6 एंट्रीज। अगर मैं इसमें करता सपोज काउंट ऑफ ऑथर, टोटल 6 एंट्रीज, ठीक है, बिकॉज देयर आर 6 एंट्रीज। लेकिन अब क्योंकि ऑथर में हमारे डिफरेंट एंटिटी है उनका सेम वैल्यू है, तो आप डिस्टिंक्ट ऑथर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक वैल्यूज को इसने स्किप कर दिया, क्योंकि एक वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही थी रो में, तो उसको इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो काउंट डिस्टिंक्ट ऑथर, इस तरीके से ये बन गया, ओके। तो ये आपका कर सकते हैं। साथ ही काउंट लगाने का आपके पास एक और है, काउंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब ऑल, कितनी रोज आपके सिस्टम में पड़ी है, आपके डेटा टेबल में पड़ी है, वो आपको बता देगा, काउंट एस्ट्रिक है, टोटल 6, बिकॉज देयर आर 6 एंट्रीज, ठीक है। अगर कोई रो डुप्लीकेट होती है, वैसे तो एंट्री मिलती नहीं है, अगर कोई रो डुप्लीकेट होती है तो आप काउंट डिस्टिंक्ट भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काउंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम दिया हुआ है आपको जो भी है, और कोई और कंडीशन अगर आपको लगानी है तो वो भी काउंट के साथ आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक, ठीक है, देयर ऑथर इक्वल्स टू सिंपल, ठीक है, दो एंटिटी ऐसी हमको जनरेट होके मिल रही है, देखिए दो ही एंटिटी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली काउंट को चूज कर सकते हैं। नाउ मैक्स मेन एंड सम, ठीक है, मैक्सिमम
मिनिमम एंड सम सेम एज एवरेज आपके पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक है, आपका पास ये डेटा है, आपको सिंपली क्या करें सेलेक्ट मैक्स ऑफ सपोज प्राइस आपको चाहिए, ठीक है, आप साथ ही साथ में दिखा देता हूँ मिनिमम ऑफ बुक नंबर आपको चाहिए, ओके, और मैक्स ऑफ बुक नेम आपको चाहिए, बुक नेम एंड सम ऑफ प्राइस एक ही साथ, ठीक है, ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई। देखिए मैक्सिमम प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 300, मिनिमम ऑफ बुक नंबर 101, मैक्सिमम ऑफ बुक नेम जो सबसे बड़ा एच पर ऑर्डर है एक्स, और फिर उसमें सी के बड़ा आई, तो वो आ गया सम ऑफ प्राइस टोटल का सम आपके सामने जनरेट हो गया। तो इस तरह की कमांड्स आपके सामने आएंगी तो सिंपली आप उसको परफॉर्म करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपको डेट्स के फॉर्मेट में ग्रेटर एंड जो है स्मॉल पूछा जाता है, तो ग्रेटर का मतलब है जो पुराना डेट है 98 और 99, अगर दो 1998 और 1999 में आपको डेट में बड़ा डेट पूछा जाएगा तो ये आपका बड़ा डेट होगा, फॉर्मर वाला स्मॉल डेट होगा, ठीक है, लेकिन अगर एज के रेस्पेक्टिव में पूछा जाएगा तो ये आपका स्मॉल डेट होगा, ये आपका बड़ा डेट होगा, इस बात को डेट वाले फैक्टर में आपको ध्यान रखना है। सिंपली अगर आपके सामने लिखा हुआ है 12/4/98 और 12/7/98 तो ये छोटी डेट होगी क्योंकि ये दोनों सेम है, तो फिर मंथ पे आ जाएगा वो, और मंथ भी सेम है तो वो डेज पर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में ईयर मंथ एंड डेट हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं ऑर्डर का, ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो टाइप ऑफ एसक्यूएल फंक्शन में वही कि सिंगल रो और मल्टीपल रो एग्रीगेट अप्लाई कर सकते हैं, और फिर कल हम वापस एसक्यूएल के और फंक्शंस के साथ वापस से जॉइन करें, कोई डाउट हो तो आप पूछें। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।